नमस्कार किसान मित्रों, यदि आपकी फसल में लीफ माइनर का अटैक हुआ है तो आपको कौन सा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, बताएंगे आपको टेक्निकल फॉर्मूला, डोज, प्राइस और खर्च के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव प्रकाश के साथ डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इसकी पहचान कैसे करें। तो दोस्तों, यह फसल के पत्तों पर हल्की पीली सफ़ेद रंग की धारियां बना देता है। इसका कीट बहुत ही छोटा होता है, जो सीधे आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह पत्ते के आंतरिक भाग को खाते खाते अंदर ही अंदर सुरंग बना देता है, जो टेढ़ी मेढ़ी सफ़ेद धारियों के रूप में पत्तों पर दिखने लगती है, जैसा वीडियो में आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। पत्तों पर इसके अटैक से पत्ते की आंतरिक संरचना खराब हो जाती है और पेड़ की भोजन बनाने की क्रिया को बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप फूल ड्रॉप होने लगता है और पौधे का विकास रुक जाता है। दोस्तों, इसके लिए आप ले सकते हैं एमावेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म में, यानी कि यह कुछ सेव के आकृति की दवाई होती है। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। यह अदामा में एमनॉन और सेजेंटा कंपनी में प्रोक्लेम, एग्री वैगरी का प्रोक्लीन और धनुका कंपनी का EM फर्स्ट आता है। किसी भी खाद बीज रसायन विक्रेता की दुकान पर उपलब्ध है, आसानी से आप इसको खरीद सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो 10 से 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से घोल बनाकर आपको इसका स्प्रे करना होता है। एक एकड़ की बात करें तो 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में आपको घोल बना करके स्प्रे करना। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 50 से 60 रुपये प्रति पंप के हिसाब से इसका एक पंप का खर्च आता है, और एक एकड़ के खर्च की बात करें तो 400 से 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसका खर्च आता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। दोस्तों, आधार विकल्प जैसे खरपतवार आदि को नष्ट करें, यानी कि समय समय पर निराई गुड़ाई करवाते रहें। स्प्रे सुबह या शाम के टाइम करें, खेत में नमी होना आवश्यक है। घोल सही मात्रा में बनाएं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पानी व दवाई की मात्रा बराबर रखें, यानी कि वीडियो में बताए गए अनुसार ही डोज लें। ज़्यादा अटैक होने की अवस्था में 8 से 10 दिन के समय अंतराल से दो बार स्प्रे करें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें, हवा के विपरीत दिशा में स्प्रे ना करें, स्प्रे करते समय मुंह पर मास्क लगाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया किसी भी फसल में लीफ माइनर का अटैक हो जाने पर आपको कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है। तो दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको लेना है एमावेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म में, जो आता है, यानी कि कुछ सेव वाले आकृति की यह दवाई होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने और किसान भाइयों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आज हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से देख सकें। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको कैसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें डेली खेतीबाड़ी। नमस्कार।